हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी से लगभग 2 से 2.5 घंटे पहले एक रिजल्ट अपडेट किया था, एक्सपेक्टेशन को कि रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो फाइनली आई होप, आशा करता हूँ कि रिजल्ट जारी हो गया और आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिजल्ट का। आप लोग देख सकते हैं 3799/3864 बीपीएससी के लिए जो इंटरव्यू दिए थे जितने भी कैंडिडेट्स, फाइनली उनका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य लिखित में 3799 उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा साक्षात्कार के लिए 1 दिसंबर 2020 से 10/2/2021 के बीच में संपन्न हुआ, जिसमें 3671 उम्मीदवार शामिल हुए, 128 अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और कॉन्ग्रेचुलेशन ओम प्रकाश गुप्ता, जिन्होंने बीपीएससी 64th में टॉप किया है। ओम प्रकाश गुप्ता को एक बार फिर से हार्दिक बधाई। और सेकंड रैंक हासिल किया है विद्यासागर ने, और सेकंड ने आप अनुराग आनंद है। ऐसे ही करके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिनको SDM अलॉट होगा, ठीक है, ये लोग हैं। और बीपीएससी के थ्रू जो DSP के लिए एक रैंक फाइनली लाए हैं वो हैं अजीत कुमार, सेकंड पे हैं राघवेंद्र मणि त्रिपाठी। तो सब लोग को धन्यवाद तहे दिल से। आप लोग चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन फाइनली दिया जा चुका है और दिया जाता रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, एक एक करके मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ जो भी लोग इंटरव्यू दिए थे। तो आशा करता हूँ आप लोग, जिनका भी सिलेक्शन फाइनली हुआ है, वो लोग अपना PDF में Ctrl+F प्रेस करके वो चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मुकुंद माधव, जो एक रैंक हासिल किया है। बिहार फाइनेंस सर्विस में कुमार स्कंद ने एक रैंक हासिल किया है। जेल सुपरिटेंडेंट के लिए S प्रतीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए प्रियेश प्रियदर्शी हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए सफदर रहमान, ये सारे लोग टॉप किए हैं अपने जिस विभाग में ये लोग अलॉट होंगे, ठीक है। सब रजिस्ट्रार के विकास कुमार एक रैंक लाएंगे। सब इलेक्शन ऑफिसर के लिए अभिषेक आनंद, ठीक है। तो ऐसे ही करके असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए आत्मादेव शर्मा ने, ठीक है, एक रैंक हासिल किया है। और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए कन्हैया कुमार ने एक रैंक हासिल किया। सेक्शन ऑफिसर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सितेश कुमार झा, ठीक है। ऐसे करके सारा ये रिजल्ट है आप लोगों के सामने। प्रोबेशन ऑफिसर बिहार प्रोबेशन सर्विस में आयुष कुमार, जो एक रैंक लाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, और फाइनली रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो भी लोग सेलेक्ट हैं वो फाइनली अपने रिजल्ट को देख पाए। शुगर केन ऑफिसर के लिए श्रमेश सिंह, और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में कुमार विशाल, ठीक है। आप लोग एक एक करके सारा अपना रिजल्ट चेक कर सकते। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में अभिनव कुमार सिंह ने एक रैंक हासिल किया। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए राकेश आनंद ने एक रैंक हासिल किया है। ऐसे ही करके ये सारे रिजल्ट से आप लोग पॉज करके रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन आप लोग एक एक करके स्क्रॉल करके अपना रिजल्ट देखते रहें। और तहे दिल से बधाई जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और जो लोग प्रीलिम्स में लगे हैं, और जिनको 67 बीपीएससी का इंतज़ार है, वो लोग 1 से 2 महीना और इंतज़ार करें। फाइनली आपका रिजल्ट, सॉरी, नोटिफिकेशन अपडेट होगा। और 66 बीपीएससी का मेंस जल्द ही, 1 से 2, मतलब कि जुलाई में आपको बहुत कुछ, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो आइए एक करके हम लोग कट ऑफ के बारे में ध्यान दें। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था ये 64th बीपीएससी, ठीक है, जिसमें फाइनल लोग सिलेक्ट हुए हैं, और तहे दिल से बधाई, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए एक एक करके सारे रिजल्ट है। अब आइए कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो कट ऑफ आपका फाइनली कुछ ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। तो कट ऑफ है रिटर्न
में अनरिजर्व का 446, रिटर्न में फाइनल कट ऑफ 535 है, फीमेल का 430 है और फाइनल 513 एससी में 379 है और फाइनल 490 के एससी फीमेल 367 और 473, ऐसे ईबीसी का 406 और फाइनल 516 पे, बीसी का 430 और फाइनल हुआ है 535 पे, आपका डिजेबल्ड का है 343 459 पे और फीमेल का देख ले तो बीसी फीमेल में 415 511 पे, ईबीसी फीमेल 386 495। एक बार फिर से तहे दिल से बधाई, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। बिंदा जीएस फोरम पे आप लोगों को बहुत जल्द 67 बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन कल या परसों में मैं बता दूंगा कि कब तक पब्लिश होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।